Research shows that 36% of adults who reported going through stress in the previous year has rose to 55% this year. 33% of people are facing common sleep problems, and about 21% are suffering from insomnia. So, is there any solution for this? Yes, there is. What's up guys, अविनाश here और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपसे बात करूंगा विथानिया सोमनीफेरा के बारे में. क्या? जिसमें मैं आपसे बात करूंगा इंडियन जिनसिंग के बारे में. हैं? जिसमें मैं आपसे बात करूंगा अश्वगंधा के बारे में. तो अश्वगंधा एक मेडिकल हर्ब है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आप कोई भी बाबा रामदेव का प्रोडक्ट देखें उसमें अश्वगंधा ज़रूर इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये एक पावरफुल मैजिकल हर्ब है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. सो आजकल के लाइफ में हर दूसरा व्यक्ति या तो स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से गुजरता है और वो बहुत तरह की पिल्स लेता है, मेडिकेशंस लेता है इन स्ट्रेस को भगाने के लिए. बट अगर आप ये छोटा सा हर्ब अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे तो आपकी सारी स्ट्रेस दूर हो जाएगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट. सो अश्वगंधा करता क्या है? एक्चुअली जब आप स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में होते हो या फिर किसी भी प्रकार के मेंटल इलनेस में होते हो तो आपकी कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है. तो कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि जब भी आप स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में होते हो तो उसकी लेवल बढ़ जाती है आपके बॉडी में. सो अश्वगंधा इस कोर्टिसोल लेवल को ड्रॉप करने में हेल्प करता है जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो सके. सो इन सिंपल वर्ड, इफ़ यू विल कंज्यूम अश्वगंधा देन इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर कोर्टिसोल लेवल जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. एक्चुअली अश्वगंधा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो आपने मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है, जो आपकी मसल रिटेंशन में हेल्प करता है, जो आपकी वॉइस को ज़्यादा मैनली बनाता है या फिर जो आपके बियर्ड को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन आर बॉडी. बट अश्वगंधा आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं करता है. एक्चुअली ये बात आई कहाँ से? ये बात आई स्लीप से एंड टेस्टोस्टेरोन से. सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड योर टेस्टोस्टेरोन. एक्चुअली जब आपकी स्लीप अच्छी होती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. दैट्स वाई अगर आप अश्वगंधा कंज्यूम करते हो तो ये आपकी स्लीप साइकिल को बढ़ाता है, आप और अच्छी तरीके से सो पाते हो एंड इट ऑब्वियसली इंक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन. सो इनडायरेक्टली येस इट इज़ अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बट ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता आपके टेस्टोस्टेरोन को. और सपोज अगर आप कोई भी टाइप का एक्सरसाइज करते हो या फिर जिम जाते हो तो अश्वगंधा आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये आपके मसल को रिलैक्स करता है और उसकी रिकवरी को फास्ट करता है. एंड समरी करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू विल कंज्यूम अश्वगंधा देन इट विल इंक्रीज योर स्लीप साइकिल, इट विल डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल, इट विल काम यू डाउन एंड इट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन योर बॉडी विच विल लीड टू गुड मसल रिटेंशन. सो अब बात आती है कि आप कितना अश्वगंधा कंज्यूम करें और किस टाइम कंज्यूम करें. एक्चुअली अश्वगंधा दो वेराइटीज़ के आते हैं, एक पिल्स और एक पाउडर जो मैं यूज़ करता हूँ. मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाउडर यूज़ करो क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है. एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग दिस पाउडर फॉर्म, मैं करेंटली डाबर की यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको एक चम्मच अपने डाइट में रोज़ इंक्लूड करें जिससे कि आप बेनिफिट देखना शुरू करेंगे. आई एम नॉट सेइंग आप जिस दिन कंज्यूम करोगे आप उसी दिन इसकी बेनिफिट देखना शुरू करोगे. एटलीस्ट यू शुड कंज्यूम इट फॉर वन मंथ, देन यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर लाइफ. सो एज यूजल हमारी कोई भी वीडियो बिना रेसिपी के खत्म नहीं होती. सो हियर इज अ स्मॉल रेसिपी दैट हाउ टू यूज अश्वगंधा. द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग मिल्क टू बॉयल एंड देन एड 1 tablespoon ऑफ अश्वगंधा पाउडर. आप इसको अच्छी तरीके से मिला दें ताकि लम्स इसमें फॉर्म ना हो. देन इसमें आप 1/4 spoon टर्मरिक भी ऐड कर दें क्योंकि टर्मरिक एक इम्यूनिटी बूस्टर है. और अगर इसमें फिर भी लम्स रह गए तो आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हो, वैसे तो स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सिप इट स्लो ताकि इससे आपका थ्रोट भी क्लियर हो जाए. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ब्रो तू सब्सक्राइब बोलता रहेगा और तुम्हारे व्यूअर्स इग्नोर करते रहेंगे.
अरे यार अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो ये भी मजाक उड़ाने लग गया है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और खुशहाली फैलाओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।